हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टूडे आई एम हेयर विद योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री बुक क्लास टेंथ नेशनलिज्म इन इंडिया स्टूडेंट्स इससे पहले हम जब यूरोप के राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ और जब नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई तो नए नए नेशंस ने कैसे फॉर्म हुए फ्रेंच रिवोल्यूशन कौन से लेगेसी लेकर आया जो न्यू आइडियाज़ थे वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने कैसे एक्सेप्ट किए ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे अपने इंडिया के अंदर यहाँ के सिटीजन्स में जो नेशनलिज़म की फीलिंग थी वो कैसे अराइज हुई और इस चैप्टर के अंदर हम 1920 के बाद से आगे कैसे इवेंट हैपन होते चले गए ये सब हमें देखना है लेकिन उससे पहले एज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डो द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म होता क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है जिसमें हम अपनी नेशनलिटी पे प्राउड फील करते हैं और अपने नेशन के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं सो so, जैसा कि आपको पता है 1914 फोर्टीन टू तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वॉर चाहे कोई भी हो कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं लेकर आता है उसके बहुत सारे बैड कंसिक्वेंसेज होते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ आफ्टर नाइनटीन नाइन्टीन जो नेशनल मूवमेंट था वो नए नए जो एरियाज़ थे वहाँ पे स्प्रेड होने लगा डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की एंट्री होने लगी लेकिन उससे पहले न्यू जो सॉरी जो वर्ल्ड वॉर वन था उसके क्या कंसिक्वेंसेज हुए उससे जो इकोनॉमिकली और शोशली जो पॉलिटिकली जो सिचुएशन चेंज हो गई थी उसको जानना ज़रूरी है जब सबसे पहली बात जब भी कोई वॉर होता है तो कंट्री के जो लीडर होते हैं उनका फोकस उस वॉर पे होता है जिससे हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इफ़ेक्ट होता है ऑलमोस्ट बंद हो जाता है और जितना भी उस कंट्री के पास पैसा है वो सब किसके ऊपर खर्च होना शुरू हो जाता है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आर्मी के ऊपर सेना के ऊपर तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो आर्मी के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया जिससे यहाँ पर जो इकोनॉमिकली जो फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा सबसे पहली बात गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है आप बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट के पास पैसा हम जो टैक्सेस पे करते हैं उससे आता है अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम होने लगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी टैक्स को इंक्रीज कर देगी ऐसी ही सेम सिचुएशन वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर भी हुई ह्यूज एक्सपेंडिचर होने लगा आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर जिससे गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया इसके साथ साथ कस्टम ड्यूटीज़ को भी बढ़ा दिया कस्टम ड्यूटीज स्टूडेंट जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेडर्स जब माल की सप्लाई करते हैं या बेचने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर एक तरह का टैक्स लगता है जिसे हम कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं तो उसको इंक्रीज़ कर दिया अब इंक्रीज़ अगर वो करेंगे तो वो कौन पे करेगा ट्रेडर्स अब ट्रेडर्स का जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगा तो ट्रेडर्स को अपना बेनिफिट चाहिए उसके लिए वो उस सामान की गुड्स की प्राइस को हाई कर देगा जिससे जो प्राइसेस हाई होने से जो गुड्स हैं वो महंगी हो जाएंगी तो प्राइस इंक्रीज होने लगे और 1913 थर्टीन टू नाइनटीन के बीच में जो गुड्स थे उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गई थी जिससे जो कॉमन पीपल था उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था ऐसा नहीं था कि विलेजेस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा था विलेजेस के अंदर भी चेंज हो रहा था विलेजर्स को फोर्स किया जाता था कि वो आर्मी के अंदर आए जिसे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहा जाता है और केवल एक वर्ल्ड वॉर ही ऐसा नहीं था जिसने लोगों के जीवन को कठिन कर दिया था उसके साथ साथ नाइनटीन टू 19 और 1920 टू 21 के बीच में जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई दैट टाइम जो एग्रीकल्चर था बेस्ड ऑन टोटली बेस्ड ऑन रेन आज कल आप देखते हैं मॉडर्न फार्मस मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए बट दैट टाइम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से फैमाइन हो गया था अकाल की स्थिति हो गई क्रॉप्स खराब हो जाएंगी तो ऑब्वियसली शॉर्टेज हो जाएगी फूड की और इसके साथ साथ इन्फ्लुंजा एपिडामिक भी फैल गया तो बहुत सारी यानी लोगों को चारों तरफ से केवल मुसीबतें मुसीबतें ट्रबल ही ट्रबल उनकी लाइफ में थी सो दे आर फेड अप वो नहीं चाहते थे कि युद्ध कंटिन्यू हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएं और उसी समय पर जब वो सब इस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे एंट्री होती है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी की एक्चुअली महात्मा गांधी जो हैं वो नाइनटीन जनवरी नाइनटीन फिफ्टीन में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं एक्चुअली साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जो कलर के बेस्ड पर डिस्क्रिमिनेशन होता था उसे खत्म करने के लिए यानी कि रेसिस्ट रिजाइम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट वहाँ पर चलाया था और जिसे सक्सेसफुली उन्होंने वॉन भी किया था अब उसका सबसे बेस्ट वे मेथड क्या था कि उन्होंने ये आ, जो लड़ाई थी जो बैटल थी वो किसके दम पर जीती थी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अब ये सत्याग्रह क्या होता है अगर आप हिंदी में इसको समझें सत्य प्लस आग्रह हम संधि विच्छेद करके देखें तो सत्य प्लस आग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह महात्मा गांधी का मानना था कि सत्याग्रह जो है वो एक आत्म बल है यानी हमारे अंदर की शक्ति है और सत्य ही हमारी आत्मा का आधार होता है इसलिए इस ताकत को ही सत्याग्रह का नाम उन्होंने दिया और uh, आप यू कैन सी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ ठीक है अब ये सत्याग्रह का मेन मोटिव क्या था इसका मोटिव था कि आपको इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करनी है आपको इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करना है जहाँ पर भी अन्याय हो रहा हो आपको आवाज़ उठानी है लेकिन नॉन वायलेंस के साथ आपको वायलेंस नहीं करनी है आपको हिंसा नहीं करनी है आपको मार काट धाड़ नहीं करनी है आपको प्यार से शांति से अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है और इस तरीके से पहुंचानी है कि अगले जो एक्सप्लाइटर है जो एक्सप्लाइट कर रहा है उसकी आत्मा उसे झकझोर के रख दे और वो अपना मैथड चेंज कर ले ठीक है तो महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे अब सडनली उसको आते ही तो नहीं पता चलेगा ना कि इंडियन पीपल के सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो काफ़ी सालों तक साउथ अफ्रीका रहे थे तो जब 1915 में वो वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक या दो साल ऑल ओवर इंडिया पहले देखूंगा लोगों को किस टाइप की प्रॉब्लम है लोग किस हद तक नेशनलिज्म की फीलिंग को साथ लेकर चल रहे हैं उन्हें क्या परेशानियां हैं सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है उसके बाद ही मैं अपना आ, मतलब जो तरीका है मैथड है वो क्या होगा फाइट करने का वो मैं डिसाइड करूँगा तो सबसे पहले उन्होंने ऑल ओवर इंडिया वो घूमे और इसके लिए वो वेरियस प्लेसेस पर गए 1916 सिक्सटीन में उन्होंने ट्रैवल किया चंपारण जो कि बिहार में एक बिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है जहां पर जो पीजेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम यानी कि बाग़ान व्यवस्था के अगेंस्ट वो ऑप्रेस कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का यूज किया उसके साथ साथ 1917 में उन्होंने सत्याग्रह को सपोर्ट किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा जहाँ पर भी उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने के लिए ही सत्याग्रह के का जो उनका वेपन था उसका यूज़ किया एंड आफ्टर दैट फर्स्ट uh, प्रॉब्लम खेड़ा में क्या थी कि एक्चुअली खेडा के अंदर जो क्रॉप है वो फेल हो गई थी यानी कि कल एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स है वो अच्छी नहीं हुई थी जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लगान यानी कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाया है वो पे कर पाएँ तो वो उसको कम करने की डिमांड कर रहे थे और गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी तो महात्मा गांधी ने बीच में इंटरफेयर किया सत्याग्रह का यूज़ किया और उन्होंने फाइनली गवर्नमेंट को झुकने पर मजबूर कर दिया आफ्टर दैट उन्होंने 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भी इस सत्याग्रह के व्यापन का यूज़ किया था ठीक है अब आते हैं हमारे जो है मेन रॉलेट एक्ट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट उस टाइम पर एक्चुअली नाइनटीन नाइनटीन में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह का यूज़ करेंगे किसके अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो कि 1919 में इम्प्लीमेंट हुआ था अब ये एक्ट था क्या इस एक्ट को जल्दी जल्दी में इम्पीरियल लेजिसलेटिव में पास पास किया गया था और ये इंडियन मेंबर्स के अगेंस्ट था इसमें जो गवर्नमेंट है उसको इनॉर्मस यानी कि बहुत ज़्यादा पावर दी गई ताकि वो जो इंडियन लीडर्स हैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर सकें उन्हें रिप्रेस कर सकें और इसके अंदर था क्या कि इसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता है यानी काला कानून जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है बाय द दे पुलिस देन फर्स्ट इज उसको कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाता है और कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो गिल्टी है या नहीं तो इसके अंदर एक लंबा प्रोसेस होता था तो जब ये रॉलेट एक्ट आया रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये आप एक कह सकते हो कि ऐसा नियम बनाया गया कि जो पुलिस है वो किसी भी व्यक्ति को जिस पर उन्हें डाउट हो कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसको दो साल के लिए वो जेल के अंदर डाल सकती है विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल इसलिए इसे बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा गया था ठीक है रॉलेट एक्ट आपको याद रखना है 1919 में इम्प्लीमेंट हुआ था मोटिव क्या था इंडियन uh, लीडर्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करना इसके अंदर प्रोविज़न क्या किया गया था कि किसी भी डाउटफुल व्यक्ति को भी जिस पर भी पुलिस को डाउट हो उसे अरेस्ट कर ले और दो साल के लिए उसको जेल में डाल सकती थी ठीक है इसके अंदर आपको इतना ही याद रखना है अब ये जो है ये महात्मा गांधी को लगा कि ये तो बहुत ही बुरा नियम है और इसके अगेंस्ट हड़ताल चालू हो गई आ, महात्मा गांधी ने कहा कि हम सत्याग्रह से इसका आ, जो है सत्याग्रह का यूज़ करेंगे और इसको इसके अगेंस्ट करेंगे इसे गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो इसको वापस ले लें विभिन्न जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ थी वहाँ पर रैलीस की गई वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए रेलवे वर्कशॉप्स बंद हो गई शॉप्स बंद हो गई और कम्युनिकेशंस uh, के जितने भी रास्ते थे वो सब बंद हो गए अब इन सब चीज़ों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी उसे लगा कि अरे ये क्या हो गया यानी कि ये लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं ऐसे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी हमने तो ये नियम इसलिए बनाया था कि हम इनको दबा सकें उल्टा ये तो हमें ही दबाने को आ गए तो उन्होंने क्या किया राष्ट्रवादियों का जो नेशनलिस्ट थे उनका दमन करना शुरू कर दिया उन्हें ए, क्लैंप डाउन करना शुरू कर दिया उन्होंने लोकल लीडर्स को बंद करना जेल के अंदर बंद करना शुरू कर दिया महात्मा गांधी जी को भी दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे उस पर पाबंदी लगाई गई और टेंथ ऑफ अप्रैल ऑफ टेंथ को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस था उसके ऊपर गोली चला दी जिसके बाद लोगों ने बैंक्स पोस्ट ऑफिस रेलवे स्टेशन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया और इसी के डर से ये जो वहाँ पर है मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल डायर को उसकी कमांड दे दी गई मार्शल लॉ का मतलब होता है कि कहीं पर भी आप झुंड में नहीं जा सकते हैं यानी कि आप तीन या चार से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते आप आपस में बात नहीं कर सकते हैं तो मार्शल लॉ एक तरह से होता है कि आप कोई भी क्राउड में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते आपको जब केवल ज़रूरत हो तभी आप घर से बाहर जाएंगे अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है कि आप बाहर जाएं और कमान संभाल ली जनरल डायर ने सारे उस मूवमेंट की अब थर्टीनथ अप्रैल 1919 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है इसे थर्टीनथ अप्रैल 1919 को जलियाँ वाला बाग मशाकर होता है जहाँ पर जो विलेज है आज आपने यदि आप अमृतसर गए हैं और आपने जलियाँ वाला बाग देखा है तो अब आप आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही अमृतसर के अंदर है लेकिन जब हम थर्टीनथ अप्रैल 1919 की बात कर रहे हैं उस समय पर जलिया वाला बाग अमृतसर से थोड़ी दूरी पर इस्टाब्लिश था अमृतसर जो मेन सिटी था वो बहुत दूर था जलियावाला बाग से तो उस समय पर बैसाखी का फेयर था और लोग वहाँ पर अपने उस फेयर को इन्जॉय करने के लिए मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो सिटी है अमृतसर सिटी है वहाँ पर मार्शल लॉ ला लागू हो गया है और अलाउड नहीं है कहीं पर भी इस तरह क्राउड क्रिएट करना तो लोग वहाँ पर इंजॉय करने के लिए गए थे और हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्हें लगा कि शायद हम वहाँ पर जा कर के उस क्राउड में आगे की रणनीति तय कर सकें तो इसलिए डिसाइड हुआ था कि जलियांवाला बाग के अंदर वो एक मीटिंग अटेंड करें लेकिन उससे पहले ही जो जनरल डायर है वो वहाँ पर पहुँच जाता है अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ और उस जलियाँवाला बाग में एंटर करने का एक ही रास्ता था और वही वहाँ का एग्ज़िट पॉइंट भी था तो जनरल डायर ने उस एग्ज़िट पॉइंट को क्लोज कर दिया और चारों तरफ से उस बाग को अपनी पुलिस से घिर कर ओपन फायर करवा दिया बच्चे बूढ़े जवान औरतें कुछ नहीं देखा बस जो सामने आए उसको गोली से भून डालो और ऐसा ही हुआ लोगों में भगदड़ मच गई वो इधर उधर भागने लगे अंधाधुधु के ऊपर गोलियां चल रही हैं अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे लोग एक कुआं था उसके अंदर गिर गए और वो एक के ऊपर एक गिरते गिरते वो बिल्कुल ही डेड बॉडीज से भर गया था तो बहुत ही पेनफुल साइट है और इतना एक तरह से नरसंहार हुआ था इसीलिए उसको जलियावाला बाग मशाक्कर नाम दिया गया है ये हुआ था थर्टीनथ अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन को अब जब इतना सब कुछ हो गया तो जनरल डायर के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर बना तो उसे पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया तो उसने कहा कि वो एक जो सत्याग्रही हैं यानी कि जो सत्याग्रह का साथ दे रहे हैं उनके माइंड में एक मोरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था इसीलिए उसने ये सब किया ऐसा कुछ नहीं है कि उसने जानबूझकर ये किया है मैं तो बस एक मोरल इम्पैक्ट उनके माइंड पर डालना चाहता था कि वो ऐसा कुछ ना करें और देखिए उसने इतने सारे लोगों को भूना तो हमारे जो आ, एक क्रांतिकारी थे रेवोल्यूशनरी थे उद्धम सिंह उन्होंने इंग्लैंड में जा कर के उनको पूरी इंग्लैंड में जा कर के उस नेशनल असम्बली में खड़ा होकर के उनको गोली से भुना था और हमारे जलियावाला बाग मशैक्कर का बदला लिया था आफ्टर दैट जैसे ही जलियावाला बाग की न्यूज़ स्प्रेड होती है क्राउड जो है वो गलियों में आ जाता है बहुत सारे लोग उसको अगेंस्ट थे स्ट्राइक्स क्लासज़ विद पुलिस अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ये सब स्टार्ट हो जाता है uh, सरकारी इमारतों पर हमले होने शुरू हो जाते हैं और सरकार भी बहुत ही क्रवालिटी के साथ उस uh, उस एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने में लग जाती है ए, उन्हें आ, से सत्याग्रही व फोर्स टू रब देयर नोजिज़ ऑन द ग्राउंड उन्हें अपनी नाक रगड़ने के लिए कहा जाता है ज़मीन पर सड़कों पर उन्हें क्रॉल यानी कि घिसट कर चलने के लिए बोला गया और जितने भी जो पुलिस थी जो साहिब्स थे उनको सल्यूट किया गया और लोगों को जो गा, आ, कोड़े मारे गए और जो गांव थे उनके ऊपर बम गिराए गए ऐसी यानी चारों तरफ वायलेंस वायलेंस खून खराबा अब ये सब जब जब हो रहा था तब तो महात्मा गांधी को लगा अरे ये तो मेरे सत्याग्रह का रूल ही नहीं था मैंने तो सबसे पहले रूल ही यही बताया था कि सत्याग्रह का मतलब है नॉन वायलेंस आप हिंसा नहीं करेंगे लेकिन ये क्या यहाँ तो सबसे बड़ी हिंसा हो रही है लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो जब रॉलेट एक्ट का ये आंदोलन अब केवल गाँव में ना फैलकर केवल शहरों तक ही था महात्मा गांधी पूरे भारत में भी इसको और ज़्यादा आंदोलन के साथ खड़े करना चाहते थे लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा आंदोलन चले जिससे हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के नज़दीक आए और उस समय उन्हें लगा कि जो खिलाफत है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू खिलाफत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसे वो लोगों के अंदर ला कर के हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ ला सकते हैं अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है इसको समझना है फर्स्ट वर्ल्ड वार जब होता है ख़त्म हुआ तो ओटोमन टर्की की हार होती है जो तुर्की था ओटोमन तुर्की साम्राज्य उसकी हार होती है और ऐसे रूमर्स ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि जो ऑटोमन का सम्राट है उसके ऊपर बहुत ही सख्त संधि थोपी जाएगी ऐसी अफवाह फैलाई गई और ऑटोमन एम्पायर उस समय पर एम्प्रर जो था वो था कौन वो जितना भी इस्लामिक वर्ल्ड था यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने भी कंट्री थे वो उसे अपना स्पिरिचुअल लीडर समझते थे जिसे वो खलीफा कहते थे अब आपको याद रखना है खलीफा से ही खिलाफत मूवमेंट बना था ओके okay? अब वो उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे तो उन्हें लगा कि खलीफा के ऊपर यदि इतनी आ, हार्ड जो है ट्रीटी पीस ट्रीटी जब थोपी जाएगी उससे उसके सारे पावर ले ली जाएंगी तो आ, ये बहुत ही बुरा होगा और हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए उस खलीफा को उसकी ताकत को उसकी पावर को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई 19 मार्च 1919 19 में मुंबई में बनाई किसने थी दो अली ब्रदर्स थी ठीक है अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली दीज आर मोहम्मद अली एंड शौकत अली दीज आर दी आर अली ब्रदर्स इन्होंने उसे बनाया इन्होंने आ जो महात्मा गांधी थे उनसे इस बात पर चर्चा शुरू की कि हमें एक मिलजुल कर इस इशू को उठाना चाहिए गांधी जी को ये एक मौके की तरह लगा उन्होंने लगा कि अरे यही तो वो मौका है जब मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा मौका चाहिए जब मैं हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेकर आऊँ तो यही वो मौका है और उन्होंने उस मौके को ग्रैब कर लिया उन्होंने कहा कि आई एम रेडी और हम आंदोलन शुरू कर देते हैं जब सितम्बर में सेप्टेम्बर नाइन्टीन ट्वेंटी में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है सेशन होता है कलकत्ता सेशन आपको याद रखना है कई बार मैप में पूछ लिया जाता है कि सितंबर नाइनटीन ट्वेंटी में कांग्रेस सेशन कहाँ पर हुआ था तो इट वॉज़ द प्लेस कलकत्ता ठीक है कलकत्ता के अंदर जब कांग्रेस अधिवेशन बुलाया गया तो गांधी जी ने सारे लीडर्स को मना लिया दूसरे लीडर्स ने उन्होंने बात मान ली और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है खिलाफत आंदोलन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन हम साथ में ही शुरू करते हैं ठीक है नॉन कॉपरेशन मोमेंट अब यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात आती है ठीक है अभी तक हमने बात की है रॉलेट एक्ट की उसके बाद हमने पढ़ा जलियावाला बाग मशेकर अब बात करी हमने खिलाफत आंदोलन की खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों हुआ था इसकी बात करी है कि खलीफा ऑटोमन टर्की की जब हार होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वहाँ का जो शासक है जो एम्प्रियर है वो स्पिरिचुअल लीडर है ऑफ ऑल इस्लामिक कंट्रीज़ और सारे इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उसकी पावर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इंडिया के अंदर एक ख़िलाफ़त समेटी बनती है मार्च uh, 1919 में टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ दैट खलीफा दैट स्पिरिचुअल लीडर और uh, बनाई किसने थी मोहम्मद अली और शौकत अली uh, जो यंग मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ एक तरह से आप कह सकते हो शेक हैंड किया कि वो दोनों मिल करके एक मूवमेंट चलाएं अब बात आती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज ठीक है ये आपने याद रख सकते हैं वन मार्क्स में पूछा जा सकता है महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जो थी हिंद स्वराज इसमें इन्होंने कहा था हिंद स्वराज अपनी बुक में महात्मा गांधी ने कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कैसे अपनी गवर्नमेंट चला पा रही है क्योंकि इंडियंस उसको सपोर्ट कर रहे हैं यदि इंडियंस उसको सपोर्ट ना करें उसको कॉपरेट ना करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी इसीलिए उन्होंने असहयोग यानी कि नॉन कॉपोरेशन क्लियर याद रखना है नॉन कॉपरेशन। कॉपरेशन मतलब सहयोग नॉन मतलब नहीं यानी असहयोग इसलिए उन्होंने कहा कि जब इंडियंस जो हैं वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फैडअप हो जाएगी और वो हमें लिबर्टी दे देगी यानी हमारा स्वराज हमें मिल जाएगा जो नॉन कॉपरेशन था वो कैसे एक मूवमेंट बना इसे जानना भी जरूरी है एक्चुअली गांधी जी का मानना था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो सीरीज से चलना चाहिए अब ये सीरीज क्या होंगी सबसे पहले जो टाइटल जो पदवियाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट अवार्ड देती थी लोगों को सबसे पहले वो लौटानी है उसके बाद सिविल सर्विसेज आर्मी पुलिस कोर्ट लेजिसटिव काउंसिल इन सब का बायकॉट करना है बायकॉट मतलब बहिष्कार यानी कि जब हम किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार कर दें किसी भी गतिविधि में किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ना लें चीज़ों को खरीदना उनको इस्तेमाल करना बंद कर दें तो आमतौर पर यह भी एक प्रोटेस्ट uh, करने का एक तरीका होता है बहिष्कार ठीक है बायकॉट कर देना तो इस सब का बायकॉट किया गया स्कूल्स का बायकॉट किया गया फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी जो सामान है उसका भी बहिष्कार किया गया और देन जब गवर्नमेंट है वो दमन का रास्ता अपनाती है तो सवीना अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाता है और जो मोहम्मद अली सॉरी uh, जो शौकत अली हैं और महात्मा गांधी 1920 ट्वेंटी में मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं जगह जगह घूमकर ताकि लोग जो हैं वो उस मूवमेंट का पार्ट बन सकें अब कांग्रेस में बहुत सारे जो लोग हैं वो डाउटफुल थे कि जो गांधी जी कर रहे हैं क्या वो सही है वो नहीं चाहते थे कि ये जो 1920 ट्वेंटी के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं काउंसिल इलेक्शंस उनका बहिष्कार किया जाए उन्हें भय था कि लोग हिंसा कर सकते हैं और सितंबर से दिसंबर तक ऐसे ही खींचतान चलती रही कांग्रेस में कि हमें बहिष्कार बाइकआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो दोनों इसी कश्मकश में लगे थे और तब तक ऐसा लगा जैसे शायद इन दोनों के बीच में कभी सहमति बनी नहीं पाएगी लेकिन दिसंबर 1920 में जब नागपुर में दिसंबर कांग्रेस का सेशन हुआ तो वहाँ पर असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए सब ने ओके बोल दिया कि ठीक है चलो अब देखा जाएगा जो आगे होगा हम उसको देखें देखेंगे लेकिन अभी तक के लिए हम उसको स्टार्ट कर देते हैं चलिए असहयोग आंदोलन शुरू होन, होने के ऊपर फाइनल जो स्टैंप है वो लग जाती है अब ये जो मूवमेंट था ये कैसे आगे बढ़ा लोगों ने इसमें कैसे पार्ट लिया ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी दैट्स ऑल फॉर आर टू डेज़ वीडियो थैंक यू वेरी मच